सब्सक्राइब कीजिए बाग बगीचा चैनल को और समय पर जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाग बगीचा में। मैं हूं अशरफ और आज मैं ग्रो करने वाला हूं लिली प्लांट को। दोस्तों, इसे कुछ लोग वाटर लिली के नाम से जानते हैं, कुछ लोग मिनी लिली के नाम से जानते हैं, कुछ लोग लहसुन प्लांट के नाम से जानते हैं। और इन सभी नामों का कारण है इस प्लांट में जो खूबी है, उन खूबियों की वजह से। दोस्तों, इसे वाटर लिली इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस जगह पे मॉइस्चर बना हुआ रहता है, जिस मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ रहता है, वहाँ पे ये खुद ब खुद उग जाता है। और इसे मिनी लिली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लावर आते हैं। और एक और लिली प्लांट है जिसका फ्लावर्स बहुत ही बड़े बड़े आते हैं, जिस वजह से इसको मिनी लिली बोला जाता है। और इसे लहसुन फूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो आकार है, इसके पत्तियों का आकार है, लहसुन के पत्तों की तरह होते हैं, जो गार्लिक के पत्ते होते हैं सेम उसी तरह होते हैं। और इसके नीचे लगने वाले बल्ब भी लहसुन के तरह होते हैं, इसलिए इसे लहसुन फूल भी बोला जाता है। और दोस्तों, ये काफ़ी सारे कलर में अवेलेबल होता है। मेरे पास ये पिंक कलर का है, ये रेड, वाइट, येलो और पर्पल कलर में भी अवेलेबल होता है। तो और ये दोस्तों, ये गर्मियों का प्लांट है, आप इसे गर्मियों में ये फ्लावर देता है। वैसे तो आप इसे 12 महीने इसे लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो फ्लावर होता है वो समर में देता है, गर्मियों में देता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लावर देता है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात इस प्लांट में ये है कि आपको इस प्लांट में ज़्यादा देखभाल नहीं करना पड़ता, बस आप इसमें एक बार लगा दीजिए और ना ही और इसमें पानी देते रहिए। इसको ना ही किसी भी तरह का कोई कंपोस्ट देना पड़ता है, ना ही किसी भी तरह का इसमें कोई फंगस लगता है, ये चलता जाता है। और आप इसे एक बार लगा देने के बाद आप इसके ये प्लांट बहुत ही तेज़ी के साथ फैलता है, पूरा छा जाता है। अगर आप इसको काटते छाटते नहीं रहेंगे तो ये बहुत ही छा जाएगा, बहुत ही ईजी टू ग्रो है ये प्लांट। दोस्तों, इस प्लांट को आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक बल्ब के जरिए और एक सीड्स के जरिए। सीड्स के जरिए लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप इसे सीड्स के ज़रिए लगाएंगे तो आपको लगभग 1 से 2 महीने लग जाएंगे इसके प्लांट तैयार होने में, इसमें फ्लावर आने में। अगर आप बल्ब्स के ज़रिए लगाते हैं तो इसमें 1 महीने में ये फ्लावर देने के लायक हो जाता है, तो इसलिए इजी है इसका बल्ब से लगाना। और इसको आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस लहसुन की तरह जिस तरह हम गार्लिक को लगाते हैं उसी तरह से इसको लगाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इसको लगाने से पहले इसमें से कुछ हम बल्ब निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसको लगाते हैं अपने सॉइल में। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ बल्ब को निकाल लिया हूँ और ये बिल्कुल लहसुन की तरह दिखता है, इसलिए इसे लहसुन फूल बोला जाता है, बिल्कुल गार्लिक की तरह दिखता है। तो यहाँ पे एक और ख़ासियत है दोस्तों कि अगर बल्ब इसमें से टूट भी जाए तो अगर आप उसको लगा देते हैं तो उसमें से प्लांट निकल आता है। तो दोस्तों, इसको लगाने से पहले हम बात करते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया इस सॉइल में। तो दोस्तों, इसमें इस प्लांट को लगाने के लिए आपको सॉइल में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें सैंडी सॉइल रखना पड़ता है हल्का सा। यहाँ पे मैंने 20% सैंड को मिक्स किया हूँ, बाकी नॉर्मल गार्डन सॉइल है। और थोड़ा सा एक मुट्ठी भर इसमें से कंपोस्ट मैंने ऐड किया हूँ, बाकी कुछ नहीं इसमें मैंने ऐड किया। अगर आप इसको गार्डन में लगाना चाहते हैं तो आपको गार्डन में इसमें किसी भी तरह का कोई कंपोस्ट ना ही किसी भी तरह का कोई सैंड इसमें ऐड करना पड़ेगा। आप नॉर्मल जो गार्डन का मिट्टी है आप उसमें लगा दीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रो करेगा। हालांकि मैं इसको पॉट में लगाया हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा वेल्ड्रेन सॉइल रखा हूँ, अगर पॉट में चिकनी मिट्टी रखूँ तो पानी अटक के रह जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेल्ड्रेन सॉइल रखा हूँ। और मैं अभी इसको इसके जो पत्ते हैं इसको मैं काट के निकाल देता हूँ क्योंकि इसके जो बल्ब है केवल बल्ब से ही ये प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसके पत्ते को रख देंगे तो ये गल सकता है, इसलिए मैं यहाँ से इसके पत्ते को निकाल रहा हूँ और केवल इसके बल्ब को मैं लगा दूँगा और कुछ दिनों के बाद यहाँ से फिर नए पत्ते निकलेंगे। दोस्तों, ये बल्ब ऐसा है कि अगर आप एक भी बल्ब इस पॉट में लगा देते हैं तो ये पूरा पॉट भर जाएगा लगभग 5 से 6 महीनों में। तो ये बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ता है और बहुत ही इजीली बढ़ जाता है, केवल आप इसमें पानी देते रहिए, इसको हर दिन पानी देना पड़ता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको धूप में रखना है कि छाँव में। तो दोस्तों, इसको आप जहाँ पे ज़्यादा धूप आता हो आप उस जगह पे रखिए क्योंकि ये धूप ज़्यादा पसंद करता है। तो अगर आप इसको छाँव में लगाएंगे तो इसमें से प्लांट तो निकल जाएगा, बहुत हरे भरे भी रहेंगे लेकिन उसमें फ्लावर बहुत ही कम आएंगे, इसलिए आपको इसमें धूप में रखना है। तो यहाँ पे मैं फिंगर की मदद से इसको मिट्टी को थोड़ा सा एक सुराख बनाता हूँ, बाकी उसमें बल्ब को रख देता हूँ। उसी तरह से मैं यहाँ पर 5-6 बल्ब को लगा दूँगा और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर पूरा भर जाएगा।
तो इसको लगाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम नॉर्मल जिस तरह से हम डालते हैं हर प्लांट में, उसी तरह से इसमें पानी डाल देंगे और हम इसे हर दिन इसमें पानी डालते रहेंगे। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं मिनी लिली के प्लांट को। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं गार्डनिंग से रिलेटेड हर तरह की जानकारी इस चैनल में लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।